वेलकम टू स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम चैप्टर 18 का जो कल बच गया था उसको पूरा करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। हमारा चैप्टर 18 क्या था? तो चैप्टर 18 था वायु तथा जल प्रदूषण। हमने वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ लिया, अब हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। तो 18.6 है जल प्रदूषण। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कक्षा 7th में आपने सीखा था कि जल एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। सोचिए कि अगर जल ना हो तो हमारा जीवन कैसे होगा, है ना फ्रेंड्स। हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि, उद्योग और कृषि में उपयोग के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है। आपने यह भी देखा कि कपड़े धोने, नहाने और बहुत सारे काम के बाद हमारे द्वारा उपयोग किया गया जल कितना गंदला हो जाता है ना। इसका यह अर्थ यह है कि जल में कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जो उसकी गुणवत्ता को कम करके उसके रंग और गंध को भी बदल देते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, जब भी वाहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। और जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जल प्रदूषक कहते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है जब वाहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। हाँ, हमें पता है। तो जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को क्या कहेंगे? जल प्रदूषक कहेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 18.7 जल कैसे प्रदूषित होता है, चलिए जानते हैं। इसमें एक विशिष्ट अध्ययन के बारे में बताया गया है तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो फ्रेंड्स, गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है और यह अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय तथा पूर्वी भारतीय जनसंख्या को पोषण करती है, है ना। करोड़ों व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं और जीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। परंतु हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व क्या है? खतरे में है। इसके प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इतने प्रदूषण स्तर तक पहुँचने के कारण यह है कि जिन शहरों और बस्तियों से होकर यह नदी प्रवाहित हो रही है वहाँ के निवासी बहुत अधिक मात्रा में कूड़ा करकट, अनुपचारित वाहित मल, मृत जीव और बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे ही इस नदी में फेंक रहे हैं। वास्तव में कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि इसके जल में जल जीव जीवित नहीं रह पाते। वहाँ यह नदी निर्जीव हो गई है। ओके, मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि गंगा कितनी प्रदूषित हो गई है। ओके, जो जीवनदायिनी गंगा है उसको हम क्या कर रहे हैं? हम उसका ही जीवन छीन रहे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है कि 1985 गंगा कार्य परियोजना, 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई जिसे क्या कहा गया? गंगा कार्य परियोजना कहा गया। ओके, परंतु बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण ने पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफ़ी हानि पहुंचा दी है। और स्थिति को भली भांति समझने के लिए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इस नदी का सबसे प्रदूषित फैलाव है। कानपुर उत्तर प्रदेश के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। ओके, इस नदी में लोगों को स्नान करते, कपड़े धोते और मलमूत्र त्यागते देखा जा सकता है। वो इस नदी में कूड़ा करकट, फूल, पूजा सामग्री और जैव अनिम्नीकरणी पॉलीथीन और थैलियाँ फेंकते हैं। अनिम्नीकरणी मतलब जिसको सड़ाया या निम्नीकरण जिसका नहीं किया जा सकता, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ओके, तो ऐसे पॉलीथीन और थैलियाँ फेंकते हैं, ठीक है। कानपुर में नदी के जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है, मतलब वहाँ पर गंगा नदी में जो जल है वो काफ़ी कम है और नदी का प्रवाह भी बहुत धीमा है, मतलब वो स्थिर है समझो। इसके साथ ही कानपुर में 5000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें
क्या बनते हैं? उर्वरक, अपमार्जक, चर्म मतलब चमड़े उद्योग, पेंट की फैक्ट्रियां सम्मिलित हैं। ये औद्योगिक इकाइयाँ बहुत अधिक विषैले रासायनिक अपशिष्टों को नदी में विसर्जित करती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने जितना ऊपर आपको बताया उन तथ्यों के आधार पर आप सोच सकते हैं कि, और मैं नीचे कुछ प्रश्न कर रही हूँ उसके आप उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो नदी के जल में प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं? मैंने जो आपको बताया उसमें से कारक क्या हैं, ठीक है। गंगा नदी की पूर्व गरिमा को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? आप बता सकते हो कि पहले जो नदी थी गंगा नदी, उसको पहले जैसे बनाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, आप बता सकते हो। और कूड़े करकट आदि को विसर्जन किस प्रकार नदी के जीवित प्राणियों को प्रभावित करता है? आप सोच सकते हो कि हम जो विसर्जित करते हैं कूड़े करकट नदियों में, तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उसको वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, आप बता सकते हो। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन के आंसर आप अपने मन में खोजिए। तो बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ हैं जो हानिकारक रसायनों को नदियों और नालों में प्रवाहित करती है, जिसके कारण जल प्रदूषित होता है। इसके उदाहरण तेल परिष्करण शालाएँ, कागज फैक्ट्रियाँ, वस्त्र और चीनी मिलें, ऐसे रासायनिक फैक्ट्रियाँ हैं। ये उद्योग जल को क्या करते हैं, रासायनिक संदूषण करते हैं, मतलब रासायनिक रूप से जल को प्रदूषित करते हैं। इन विसर्जित रसायनों में आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड होते हैं, जिनसे पौधों और पशुओं में क्या होता है, अविष्टता उत्पन्न होती है, मतलब उसमें जहर का प्रभाव होता है। ओके, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाए हैं। इसके अनुसार उद्योगों को अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित करने से पहले उपचारित करना चाहिए, परंतु प्रायः इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है, जिसके कारण इसकी अम्लीयता और क्या कृमियों में वृद्धि भी परिवर्तन हो जाता है। फ्रेंड्स, हमने अध्याय एक में यह देखा था कि फसलों की सुरक्षा के लिए पीड़कनाशी और अपतृणनाशी कितने महत्वपूर्ण हैं। ये सभी रसायन जल में घुलकर खेतों से जलाशयों, नदी, नालों आदि में पहुंच जाते हैं और ये भूमि में रिसकर भौम जल को प्रदूषित करते हैं। ओके, तो क्या आपने ऐसे तालाबों को देखा है जो दूर से देखने पर हरे दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत से शैवाल उनमें उग रहे होते हैं और उन उर्वरकों में उपस्थित जो नाइट्रोजन और फास्फेट जैसे जो रसायन की अधिक मात्राएं हैं उसके कारण से जो शैवाल हैं वो पोषण प्राप्त करते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, है ना। ये रसायन शैवालों के फलने फूलने के लिए पोषक की भांति काम करते हैं, और ये शैवाल जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का काम करते हैं, है ना। और ये बहुत अधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, इससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं, है ना। जल में ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसमें जो रहने वाले जीव हैं जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि वो मर ही जाएंगे, है ना। फ्रेंड्स, आपने क्लास सेवेंथ के एक चैप्टर में पढ़ा था कि वाहित मल का निपटान कैसे किया जाता है, आपको याद है? आपने घर के वाहित मल को एकत्र कैसे किया और फिर वह कहाँ गया, है ना, जल के माध्यम से उसको किस तरह से शुद्ध किया गया, याद करिए आप। तो फ्रेंड्स, कभी कभी अनुपचारित वाहित मल सीधे ही नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसमें क्या होते हैं, तो इसमें खाद्य अपशिष्ट, अपमार्जक, सूक्ष्म जीव आदि होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या भौम जल वाहित मल द्वारा प्रदूषित हो सकता है? मैंने बताया था भौम जल क्या होता है, जो भूमि के अंदर जल रिसकर अंदर इकट्ठा होता है वही भौम जल कहलाता है। तो क्या भौम जल भी वाहित मल द्वारा प्रदूषित हो सकता है? तो फ्रेंड्स, वाहित मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक और परजीवी हो सकते हैं, जिनसे हैजा, मियादी बुखार और पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। फ्रेंड्स, जो स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक हैं। यदि जल में ऐसे जीवाणु हैं तो इसका अर्थ यह है कि वह जल मलयुक्त पदार्थ द्वारा संदूषित है।
यदि इस प्रकार के जल का हम उपयोग करते हैं तो हमें अनेक प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं गर्म जल भी एक प्रकार का प्रदूषक हो सकता है। यह जल प्रायः विद्युत संयंत्रों और उद्योगों से आता है। इसे नदियों में बहाया जाता है और यह जलाशयों के ताप में वृद्धि कर देता है, जिससे उसमें रहने वाले जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ओके, मतलब जो गर्म जल है जो उद्योगों से निकलते हैं वो जलाशयों में अगर बहा दिए जाएँ तो जल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो जलाशय उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जो जीव उसमें निवास करते हैं वो मरने लगेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं 18.8, पेयजल क्या होता है तथा जल को शुद्ध कैसे किया जाता है, चलिए जानते हैं इसके लिए। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम जो जल पीते हैं उसको देखते हैं तो वो देखने में हमको बहुत ही साफ दिखाई देता है, पर उसमें बहुत सारे रोग वाहक सूक्ष्म जीव और घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं, है ना। अतः पीने से पहले जल को शुद्ध करना बहुत ही आवश्यक है। एग्जाम्पल के लिए हम जल को उबाल कर शुद्ध कर सकते हैं। पीने के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं। यहाँ पर लिखा है स्वच्छ तथा पीने योग्य जल को पेयजल कहते हैं, है ना। तो आपने देखा है कि किस प्रकार अलग विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जलाशयों में गिराने से पहले वाहित मल उपचार संयंत्रों में जल को शुद्ध किया जाता है। इसी प्रकार नगर निगम और नगर पालिकाएँ घरों में आपूर्ति करने से पहले जल का उपचार करती हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि जल को पीने के लिए शुद्ध कैसे बनाया जाए, मतलब उसको शुद्ध कैसे किया जाए। फ्रेंड्स, आपको पता है कि संसार की 25% जनसंख्या को स्वच्छ जल मतलब पेयजल नहीं मिल पाता, है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि जल को शुद्ध कैसे किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर लिखा है जल को उबाल कर शुद्ध कर सकते हैं, है ना। आप घरों में आपूर्ति करने से पूर्व जल का उपचार, कैंडल फिल्टर का उपयोग, क्लोरीनीकरण द्वारा उद्योग को द्वारा उपचारित जल को जलाशयों में छोड़ना, कम उपयोग पुनः चक्रण, चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख ही चुके हैं कि जल को कैसे फिल्टर करते हैं। यह अपद्रव्यों को दूर करने की भौतिक विधि है। आम प्रचलित घरेलू फिल्टर कैंडल फिल्टर होते हैं। ओके, बहुत से घरों में जल को स्वच्छ जल को प्राप्त करने के लिए उबालने की विधि का उपयोग किया जाता है। उबालने से जल में उपस्थित जो जीवाणु हैं वो मर जाते हैं और जल को शुद्ध करने की सामान्य क्या है, रासायनिक विधि क्लोरीनीकरण है, है ना। उसमें क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं या जल में क्लोरीन की गोलियां या विरंजक चूर्ण बोलते हैं जिसको, उसको मिलाकर किया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, हमें सावधान रहना चाहिए, हमें क्लोरीन की गोलियों को जो मात्रा निर्धारित मात्रा है उससे अधिक नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब विधि क्या है, जल को स्वच्छ करने के, जल को साफ करने के उपयोग तरीके हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक और पॉइंट था 18.9, क्या किया जा सकता है, मतलब जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, ये दिखाया गया उसमें। उसको मैं लिखना भूल गई हूँ तो मैं उसको आपको ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो औद्योगिक इकाई हैं उनके लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषित जल को सीधे ही नदियों और झीलों में नहीं बहाया जा सके। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए और व्यक्तिगत स्तर पर हमें निष्ठापूर्वक जल की बचत करनी चाहिए, उसे बेकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो लिखा है कम उपयोग पुनः चक्रण, मतलब ये हमारा मूल मंत्र है, रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल,
है ना, यही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। अपनी दिनचर्या पर विचार करना चाहिए, जैसे कि आप जल की बचत कैसे कर सकते हैं, जैसे धुलाई या अन्य घरेलू कार्य में उपयोग हो चुके जल के पुनः उपयोग संबंधी नए नए विचारों के बारे में हम सोच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सब्जियों को धोने के लिए इस्तेमाल जल को पौधों की सिंचाई में किया जा सकता है। अब प्रदूषण अब कोई दूरस्थ घटना नहीं रह गई, मतलब प्रदूषण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, मतलब ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये प्रदूषण से सभी लोग परिचित हैं, है ना। तो जब तक हम सभी अपने दायित्व की अनुभूति नहीं करेंगे, हमें अपना कर्तव्य पता नहीं चलेगा कि हम किस प्रकार से प्रदूषण को कम कर सकते हैं और पर्यावरणीय हितैषी जो प्रक्रम है उनका उपयोग आरंभ नहीं करते, हमारी पृथ्वी की उत्तरजीविता क्या है, संकट में है, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम पृथ्वी की जो जीवन क्षमता है, जीवन इस पर उपस्थित है, उसको हम अपने हाथों से नष्ट कर रहे हैं। इसको जब तक हम उचित उपाय ना करें तब तक जो खतरा बना हुआ है वो नहीं टल सकता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया है कि जल एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है, हमें इसके संरक्षण के उपाय सीखने चाहिए, ठीक है। तो सही कहा गया है फ्रेंड्स, जब आप नल खुला छोड़कर अपने दांतों को ब्रश करते हैं, कई लीटर पानी बेकार बह जाता है, तो जिस नल से प्रति सेकंड एक बूंद जल टपकता है, उस नल से एक वर्ष में कई हजार लीटर जल नष्ट हो जाता है, इसके बारे में आप सोचिए, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, हमारा क्लास 8 भी यहाँ पर पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट डे से क्लास 9 की क्लासेस शुरू करेंगे, ओके फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।